आज हम बना रहे हैं स्पेशल क्रिसमस प्लम केक, जिसे हम बिना अंडे और बिना ओवन के बनाएंगे। ये केक बहुत मजेदार बनता है, चलिए देखें हम। प्लम केक बनाने के लिए पहले हम 6 टेबल स्पून शक्कर पैन में डालेंगे। लो फ्लेम पे इसे हमें हल्का सा पकाना है। जब भी शुगर मेल्ट हो जाए तो हमें फ्लेम लो करके इसमें 1/4 कप पानी डालना है। हम इस गोल को 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। पहले हमने 200 ml ऑरेंज जूस लिया है, संतरे का जूस है ये। हमने सब 2 टेबल स्पून लिया है बादाम, 2 टेबल स्पून काजू, 2 टेबल स्पून ये मैंने दोनों कलर की किशमिश ली है, ब्लैक और गोल्डन, ये भी दोनों 2-2 टेबल स्पून है। और मल्टी कलर की टूटी फूटी ली है तीनों कलर की, ये भी 2-2 टेबल स्पून है। और 2 टेबल स्पून चेरी है। हम ये सारी चीजें इसमें संतरे के जूस में मिलाएंगे और हमें इसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए इसमें सोक करने के लिए रखना है। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसको 8 घंटे तक भी सोक करेंगे तो फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आएगा। ये हमने जो शुगर सिरप बनाया था इसको भी हम इसमें साथ में मिलाएंगे। अभी हम केक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, ये सनफ्लावर ऑयल है। उसमें ही हम ये 1/2 कप दही मिलाएंगे। और अच्छे से पहले दही को ऑयल के साथ मिलाएंगे। ये मैंने 1 कप शक्कर लिए, पीसी हुई शक्कर है, इसको भी साथ में मिलाएंगे। डेढ़ कप मैदा है जिसको मैंने छान के ले लिया है, इसको भी हम अभी डालेंगे साथ में। और साथ में हम इसमें स्पाइस भी भरते हैं। 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर है, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर भी मैंने मिला दिया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप ये मिल्क पाउडर है, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छा, नहीं हो तो सिर्फ मिल्क से थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं। अभी इन सब चीजों को अच्छे से मिलाना है हमें पहले। और 1/2 टीस्पून ये कोकोआ पाउडर है, ये भी डालना है, इससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और साथ में ही हम ये मैंने ड्राई फ्रूट, टूटी फूटी ऑरेंज जूस, कैरेमल शुगर ये जो बना के हमने डाला था, इसको हमने पूरा 2 घंटा भिगा के रखा था, अभी हम ये साथ में डालेंगे। और हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। करीबन मैंने 1/4 कप दूध डाला और बैटर को फोल्ड और कट्टे से मेथड से ऐसे हमें मिलाना है अभी, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिला दिया है तो हमें हल्का सा ही मिलाना है अभी। लास्ट में हम 1 टीस्पून विनेगर भी डालेंगे। हमने पहले 2-2 टेबल स्पून टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट डाले थे, अभी फिर से ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट और किशमिश लिए, ये 1/2 कप है, अभी इसमें साथ में मिलाएंगे मिक्स ड्राई फ्रूट, 1/2 टीस्पून विनेगर एसेंस भी डालेंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। 7 इंच का बेकिंग ट्रे लिया है, जैसे मोल्ड लिया है, उसमें अभी हम ये सारा बेटर डालेंगे। इसमें हमने बेकिंग पेपर लगा दिया है, अभी हमें ऐसे 2 बार टैप करना है और उसके बाद ऊपर से भी थोड़े से काजू और टूटी फूटी हमें डालने हैं। मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही बर्तन को गर्म करने के लिए रख दिया था पतीले को, अभी हम इसमें संभाल के एक एक टीम डालेंगे और ऊपर से हम ढक्कन लगा के इसको 55 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो गैस पे।
हम अभी केक को चेक करेंगे। हमारी नाइफ अच्छे से क्लीन आ रही है, हमारा केक अच्छे से बन गया है। हमें टोटल 70 मिनट केक बनाने में लगे हैं। अभी हमें इस केक को बाहर निकालेंगे। बन गया हमारा क्रिसमस स्पेशल केक। अभी हम इसको पूरा ठंडा करके अभी हम इसको केक को निकालेंगे। देखिए कितना केक अच्छा बना है। अभी हम इस केक को काट के दिखाएंगे हम ये कितना स्पॉन्ज सॉफ्ट बना है। इसे इसी तरह से बनाइए और खाइए और हमें बताइए ये आपको कैसे लगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।